हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। तो गाइस, आपने डेडपुल मूवी देखी होगी जो काफ़ी फनी और कॉमेडी हिंदी वाली मूवी थी। तो आपने डेडपुल को सबसे पहले एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में देखा होगा। तो सबसे पहले डेडपुल की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई थी हमें, क्योंकि उसका मुंह बंद था और उसकी रेड कलर की आइज थी और वो विलियम स्टैगर के कहने पर चलता था, मतलब जो कमांड दी जाए उसके कहने पर। बट एनी मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लोगन की और डेडपुल की लड़ाई दिखाई जाए उस मूवी में। तो फाइनली हमें देखने को मिला कि डेडपुल लोगन की लड़ाई तो हुई, पर डेडपुल एंड में मार जाता है और लोगन उसे मार देता है, उसकी गर्दन काट देता है। तो ये काफ़ी खौफनाक था। बट हमें फॉक्स कंपनी ने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला कि डेडपुल जिंदा हो चुका है, बोल भी सकता था और सब कुछ कर सकता था, पर फॉक्स कंपनी का ये डेडपुल ज़्यादा चला नहीं और उन्होंने सोचा कि इसको रिबूट करा जाए और दोबारा से कुछ अलग हटके दिखाया जाए। तो ये फैसला बिल्कुल एकदम सही था और उनकी बेस्ट चॉइस सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने उन्हीं एक्टर को लिया जो कि ऑलरेडी डेडपुल का रोल कर रहे हैं और निभा चुकी हैं एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में। तो जब पिक्चर की शूटिंग हुई तो लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये मूवी इतनी हिट जाएगी, क्योंकि एक्समैन सीरीज की सबसे हिट मूवी थी। क्योंकि डेडपुल के जो डायलॉग, जो एक्टिंग, जो 24 घंटे फनी और अपने व्यूवर से बातें करना मूवी में, और भूपेंद्र जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन एक्टर है, और उनकी जो फाइटिंग स्किल थी उसमें भी कॉमेडी फनी करना, जैसे कि आपने इंट्रो भी देखा होगा तो उसमें भी वो कहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। तो ये छोटी छोटी सीन काफ़ी अच्छे थे। तो टीम को सबसे बड़ी बात थी कि ये जब मूवी रिलीज़ होगी तो ये डब कौन करेगा, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो 99% लोग इससे खुश थे। सबसे बड़ी बात थी इसे डब कौन करेगा, क्योंकि डेडपुल का जैसा कैरेक्टर है हमें वैसे ही डबिंग आर्टिस्ट भी चाहिए। तो गाइस, पेश करते हैं संकेत मेहता, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से डेडपुल में चांद चांद लगा दिए। अरे यार, तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो इस नकचड़ी कमीनी के साथ? उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उससे मैं सुपर हीरो बन गया, लेकिन मेरी शक्ल देखो मुझे। नहीं नहीं, देखो नहीं, देखना मुझे वही तो। इस साल मैं सुपर नहीं बनना चाहता था और हीरो तो बिल्कुल नहीं, पर जब आपको पता चले आपका जानी दुश्मन आपकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है तो आपको सुपर हीरो बनना ही पड़ता है। म्यूजिक हो जाए। हम ये होने नहीं दे सकते डेडपुल। और गाइस, संकेत ने अपने ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करा था कि वो डेडपुल की आवाज़ बनके काफ़ी खुश हैं और उन्हें ये काम करके काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर है फनी जिसे समझना मुश्किल है, बट मुझे उसकी आवाज़ बनकर मज़ा आया। और गाइस, मुझे उनकी ओरिजिनल वीडियो क्लिप मिली उनकी आवाज़ की, छोटी सी, तो देखते दिस वीडियो। The overriding theme in all the plays is kind of one of the cost of the real actors somewhere intertwined within the characters, and it's your opportunity to completely make fun of them on stage in front of many people. I completely agree. I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो जाते जाते एक क्वेश्चन, डेडपुल 2 में इस नए कैरेक्टर का नाम क्या है? अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करो, और जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो यार, जा तो सब्सक्राइब करो, वरना उस पर लोहे के हाथ मारो या उसका बटन दबाओ, पर प्यार से। बाय बाय।